बहुत ही एक उम्दा दर्जे का स्लाइडिंग इफेक्ट जिसको हम कहते हैं स्मूथ ट्रांजिशन। ओके, तो एक नया कॉम्पोजिशन बना लेते हैं। सबसे पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। इसके अंदर सिंपली मैंने कुछ नहीं करा है, एक टाइल इफेक्ट डाला है यहाँ पे। ये रहा मोशन टाइल जो कि आफ्टर इफेक्ट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होता है, मोशन टाइल। इसको ड्रैग कर लिया। इसकी जो वैल्यू मैंने रखी है 300 300 रखी है, और जो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखी है 500 300, पता नहीं क्यों बट रख दी। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू नल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखो ये पी दबाओ, पी दबाने पे हमें पोजीशन आ जाएगी। ये है एक्स, ये है वाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। राइट क्लिक, सेपरेट डायमेंशन, एक्स डायमेंशन अलग हो गई, वाई डायमेंशन अलग हो गई। तो एक्स पर हम कर लेते हैं एक जनरेट की फ्रेम, की फ्रेम हमने जनरेट कर लिया। इसको पीछे ले आते हैं कंट्रोल, ये यहाँ पर एक दो, और यहाँ पे एक और जनरेट कर लेते हैं, बस एक दो एक दो, ठीक है। बस देख लेता हूँ कैसा है वो। हाँ ऐसे ही है, ठीक है ठीक है। अब कंट्रोल शिफ्ट एक दो, यहाँ पे की फ्रेम जनरेट कर लेते हैं एक दो, यहाँ पे की फ्रेम जनरेट कर लेते हैं। अब इसको कर लो आप इजी इज, लेकिन अभी नहीं करना है। इससे पहले इसकी जो वैल्यू है वो रख दो ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब ये है कि जो हमारा नल ऑब्जेक्ट है वो इस वक्त यहाँ पर है, ये हमारा एंकर पॉइंट बिल्कुल बीच में है, मिड में। 640 है ये वैल्यू, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगी 1280। यहाँ पे जो वैल्यू है ज़ीरो है। तो नेक्स्ट फ्रेम में जो हमारा नल ऑब्जेक्ट है वो 640 पर है, लेकिन हमें 640 पे नहीं, हमें 1280 पे चाहिए, मतलब कि डबल। बस अब देखते हैं क्या हुआ है, ठीक है। पता नहीं लगा कुछ हुआ है, इसलिए पता नहीं लगा है क्योंकि जो हमारा नल ऑब्जेक्ट है उसको ये जो हमारे फ्रेम है वो कॉपी नहीं कर रहे हैं। उसको कॉपी करने के लिए हमारे पास ये पेरेंट लिंक होता है। अगर आपको ये शो नहीं हो रहा है तो ये टॉगल स्विच होता है, यहाँ पे आके आपको शो हो जाएगा। अगर नहीं, तब भी नहीं हो रहा है तो राइट क्लिक करना यहाँ पे, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे राइट क्लिक करना कॉलम, और यहाँ पे पेरेंट लिंक आ जाएगा। इसको आप हाइड कर सकते हो अगर नहीं दिख रहा है तो। राइट क्लिक कॉलम और पेरेंट लिंक, यहाँ पे हमारा शो हो गया है। अब यहाँ पे मोशन ब्लर इसका ऑन कर लो, ठीक है। इसको इसके साथ कर दो कनेक्ट, और इसको कर दो इसके साथ कनेक्ट, ठीक है। अब ये हमारे लिंकिंग हो गए, यहाँ पे लिंक हो गया है। दूसरा तरीका ये है, इसकी जगह यहाँ पे भी आप देख सकते हो, आपको लेयर का नाम पता है कि भाई नल ऑब्जेक्ट ये रहा, यहाँ पे कर दिया हमने नल ऑब्जेक्ट ये रहा, यहाँ पे हमने कर दिया। तो यहाँ पे ऐसे भी पेरेंट हो जाएगा, दो तरीके हैं। अब देखते हैं कैसे वर्क करेगा। ओए कुछ पता नहीं लगा हुआ कुछ, ठीक है। अब ये लीनियर काम कर रहा है। अब कंट्रोल जेड, इन तीनों चारों को सेलेक्ट करके F9 दबा दो। F9 मैंने दबा दिया। यहाँ पे क्लिक करो ग्राफ पे, एक को सेलेक्ट करो, ग्राफ पे क्लिक करो, ठीक है। ये हमारा ग्राफ ऐसा सुंदर सा शो हो रहा है। इसको पकड़ के यहाँ पे लेकर आ जाओ, और इसको पकड़ के ऐसे ले आओ, ठीक है। ऐसे ही इसको पकड़ के यहाँ पे ले आओ, इसको पकड़ के यहाँ पे ले आओ। अब जो हमारा सॉफ्टवेयर है, मतलब कि जो की फ्रेम, उसको हमने बता दिया है कि भाई तुझे ऐसे वैल्यू जानी है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके एकदम से यहाँ पे ड्रॉप हो जाइयो, और फिर एकदम से यहाँ पे पहुँच जाइयो, और फिर एकदम से आने के बाद फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे आइयो। अब देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है, पता लग गया कैसे हुआ वो, परफेक्ट एकदम से, और फिर एक सिंपल ड्रॉप। अब देखते हैं इसको और ज़्यादा स्मूथ करने का भी तरीका है। सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा स्लाइड ट्यूटोरियल है, ठीक है। स्लाइड ट्यूट, राइट क्लिक, सबसे पहले यहाँ पे लेकर आ जाओ फ्रेम के अंदर, राइट क्लिक कॉम्पोजिशन सेटिंग, कॉम्पोजिशन सेटिंग के अंदर एडवांस, शटर एंगल देख लो, शटर एंगल बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है।
सैम्पलिंग, ठीक है, शटर फेज, ठीक है, अब देखते हैं कैसा आया है। ये देख रहे हो ये फ्रेम ना आंखों के अंदर थोड़ा चुभ रहा है, तो इसको हम थोड़ा ठीक कर सकते हैं। राइट क्लिक, कंपोजिशन, एडवांस, बस अब ये चुभेगा नहीं हमारी आंखों में। ओके, पता लग गया होगा आपको। अब ये की फ्रेम है, इसको हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे लेके चले जाओ, अब देखते हैं। ओके, बहुत तेज़ी से हुआ है, अच्छा लग रहा है, और इसको बहुत ज़्यादा स्लो भी कर सकते हैं हम। ओके नाइस, होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ आ गया कैसे हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।